रेलवे को नुकसान करना है, इसको हम लोग जैसे भी होगा एडीआरएम को हम लोग हटाएंगे, इसको देखना नहीं चाहते हैं मुगल थ्रेड डिवीजन में। और जब से आया है तब से मुगल थ्रेड डिवीजन का बेड़ा गर्क कर दिया है एडीआरएम। इसको ये पंडित गिरी जो कर रहा है ना, इसको पंडित गिरी से हम लोग हटाना चाहते हैं। ये शब्द मैं नहीं मानूंगा। आप एक सीधा टॉपिक से अलग हो गए, जब तक मैं सुन रहा था आप फिर टॉपिक से। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। ये जरूर अपना कुछ आप दिखा रहे हैं। एक दर्जन एमपी से पत्र लिखवाने वाला बिहार के एमपी से, ये कुंडल सिंह है, राजधानी रोकने के लिए राज्यसभा से लेके लोकसभा के एमपी तक डिप्टी हरिवंश उप सभापति थे, उनसे चिट्ठी लिखवाया। मैं केंद्रीय मंत्री से अश्विनी कुमार चौबे, आर के सिंह कैको को मंत्री से, पूर्णिया का सांसद संतोष कुमार कुशवाहा जी से एमपी, गोपाल नारायण सिंह से, मैं कितना एमपी मंत्री से चिट्ठी लिखवाया, लेकिन अभी तक कहीं में कहीं राजधानी का ठहराव नहीं हुआ हो रहा है। देख रहे न्यूज डिक्शनरी, इस समय हमारे साथ वो शख्स मौजूद है कुंदन सिंह, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और अक्सर आप इन्हें देखे जाते हैं कहाँ पर सामाजिक मुद्दे उठाने में, और ख़ास कर कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से परदेशी आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए और पूरी दुनिया में जाते हैं, क्योंकि बिहारी एक ऐसा शख्स होता है जो मेहनत के लिए जाने जाता है, लेकिन जब उसके प्रदेश में जाएंगे तो ट्रेन का ठहराव नहीं मिलता। ट्रेन की बड़ी समस्या बताई जाती है, जब भी यात्रा के लिए ट्रेन के सहारे दिल्ली से बिहार, गुजरात से बिहार या किसी भी प्रदेश से जाया जाए तो वहाँ पर ट्रेन का कोई साधन नहीं मिलता है। सासाराम से सांसद जो है, दो बार बीजेपी के सांसद है, और उनके पास कुंदन जी खुद गए किस लिए कि ट्रेन के ठहराव के लिए, ताकि जो परदेशी है वहाँ पर आए और आने के बाद वो अपने एक स्थान ग्रहण करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार दावे करती रहती है, बड़े बड़े दावे कि हम विकास कर रहे हैं विकास कर रहे हैं, लेकिन जब धरातल पे जाता है वो विकास नहीं देखता है। सर, हम कई बार आपके आर्टिकल भी देखे और कई ऐसी स्थिति आई कि सरकार से आप लड़े भी और कई बार आप पे मुकदमे भी हुए ट्रेन के ठहराव के लिए, और आपके प्रयास से कई बार ऐसा भी हुआ कि कई ट्रेन जो जिस जंक्शन पर रुकनी चाहिए थे वहाँ पर रुकी भी। लेकिन अभी आप क्या कहना चाहते हैं, आगे की क्या प्लानिंग है, और किस जो ट्रेन के ठहराव के लिए आप प्रदर्शन भी कर रहे थे और वो प्रदर्शन कितना सफल रहा, और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं नमस्कार, मैं कुंडल सिंह, मैं सासाराम के लाल, मैं एक दफ़े नहीं दो दफ़े रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिला हूँ, दो दफ़े पीयूष गोयल से भी मिल चुका हूँ। वहाँ हावड़ा राजधानी सियालदह राजधानी के ठहराव के लेकर मुद्दा चल रहा है, पूर्व मध्य रेल सासाराम जंक्शन पे, ताकि वहाँ पर ये बहुत दिन से मुद्दा वहाँ चल रही है। और इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जब थी तो वहाँ राजधानी पर उतना जोर लोग नहीं दिया, उस समय एयरपोर्ट मीरा कुमार लेके आई थी, नापी जोखी सब कुछ हुआ वहाँ पर एयरपोर्ट के लिए, लेकिन ज़मीन के हवाला दिया गया राज्य सरकार की तरफ से कि ज़मीन नहीं है, इस वजह से वहाँ एयरपोर्ट का प्लानिंग कैंसिल हो गया। आज उसको पार्लियामेंट में महाबली सिंह जी और जेडीयू के सांसद हैं वो उठाए थे कि सासाराम में फिर से उसका नापी जोखी हो और फिर से वहाँ निर्माण कराया जाए। राजधानी एक्सप्रेस का भी आप बता, राजधानी एक्सप्रेस के जो बात है ना, तो हावड़ा राजधानी कल मैं दो बार लाइव आया हूँ और ये छेदी पासवान जी के जब भी हम लोग फ़ोन किए हैं मिलने के लिए रेल मंत्री से, तो छः महीना दो महीना तीन महीना करते करते साल में एक बार दो बार वो मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं रेल मंत्री से, और वो जब भी जाएंगे तो राजधानी के स्टॉपेज खाली लेके जाते हैं और लेटर ऐसे देंगे, फोटो खिंचाएंगे, चले आएंगे। और गंभीरता कोई काम नहीं होता, काम नहीं होता, गंभीरता से बात अपनी रखते नहीं है। जिस दिन गंभीरता से अपना बात रख देंगे उस दिन राजधानी का ठहराव हो जाएगा। हमारा स्टेशन का राजस्व है 38 करोड़ का राजस्व है सासाराम, 38 करोड़ साल का। और बात समझ लीजिए कि गया से मुगल थ्राय के बीच में सबसे बड़ा स्टेशन, मुगल थ्राय और गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मैं बोल रहे हैं उसको, मुगल थ्राय और गया के बाद राजस्व देने में सबसे नंबर वन रोहतास जिला के सासाराम है, जो कि सासाराम एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और राजधानी के लिए 8 साल से लड़ाई लड़ाया जाए। जहाँ तक ये कुंडल सिंह का देन है कि आज 1000 एक दर्जन एमपी से पत्र लिखवाने वाला बिहार के एमपी से, ये कुंडल सिंह है, राजधानी रोकने के लिए राज्यसभा से लेके लोकसभा के एमपी तक डिप्टी हरिवंश उप सभापति थे, उनसे चिट्ठी लिखवाया। मैं केंद्रीय मंत्री से अश्विनी कुमार चौबे, आर के सिंह कैको को मंत्री से, पूर्णिया का सांसद संतोष कुमार कुशवाहा जी से एमपी, गोपाल नारायण सिंह से, मैं कितना एमपी मंत्री से चिट्ठी लिखवाया, लेकिन अभी तक कहीं में कहीं राजधानी का ठहराव नहीं हुआ हो रहा है। आ गया मुगल थ्राय के बीच में अगर सबसे ज़्यादा, ये बताइए आप बोल रहे हैं कि इन सबसे चिट्ठी, चाहे सांसद हो चाहे आप, बताया गया कि आप मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुँचे, इन सब के पास इतनी मेहनत करने के बाद राजधानी का आखिर ठहराव क्यों नहीं हो पा रहा? इसका जिम्मेवार कहीं में कहीं सांसद के कमजोरी है, सांसद से कहीं बात नहीं बनती है,
हम कहते हैं कि निशिकांत दुबे गुंडा के सांसद है, वो 6 महीना में 10 गो ट्रेन चलवा दिए, नया ट्रेन। हमारा सांसद जो है एक दो गो गाड़ी के साल में स्टॉपेज नहीं ले पाते हैं। अगर दो तीन चार जो गाड़ी के स्टॉपेज हुआ है, दुर्गियाना एक्सप्रेस कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस, चाहे सियालदा अमृतसर जलियावाला बाग एक्सप्रेस, चाहे हावड़ा लालकुआ एक्सप्रेस, चाहे हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस, ये ठहराव कुंडल सिंह की वजह से हुआ है। कुंडल सिंह दौड़ भाग किया है रेलवे बोर्ड में, रेलवे बोर्ड में दौड़ते दौड़ते कुंडल सिंह का चप्पल टूट गया। आज कोचिंग डायरेक्टर ट्रैफिक मेंबर लोग से बात करता है तो कुंडल सिंह बात करता है, एक सांसद के प्रतिनिधि बन के जाता है और बात करता है और गाड़ी का स्टॉपेज करवाता है, जनता के मुहैया कराता है। और सासाराम में राजधानी रुकने से एक जिला का लाभ नहीं है, वहाँ पर चर्चर जिला का लाभ है। आरा हुआ, बक्सर हुआ, औरंगाबाद हुआ, कैमूर भभुआ जिला हुआ, उसको मुगलथरा नहीं जाना पड़ता है, सासाराम से बाई रोड भाग जाता है। सासाराम में राजधानी रुकने से वहाँ 4-5 जिला का डायरेक्ट लाभ है और सासाराम चारों तरफ का सेंटर है। सियालदा एक्सप्रेस है, उसका क्या है? दो राजधानी चलती है, हावड़ा राजधानी और सियालदा राजधानी, नई दिल्ली से दोनों आगे पीछे 5 मिनट के आगे पीछे चलती है। ये भी कहा गया कि दो नहीं दीजिएगा तभी एक कर दिया जाए फिलहाल में। अभी ये भी हमको कहा गया कि पार्लियामेंट चल रहा है 7 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में, इसी में कोई गाड़ी का ठहराव होगा। हमने ये भी कहा कि राजधानी का ठहराव नहीं होता तो हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस, हल्दिया आनंद विहार एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। और धनबाद डेहरी इंटरसिटी एगो आती है, डेहरी में 5-6 घंटा खड़ी रहती है, उस ट्रेन को सासाराम से विस्तार किया। जो डेहरी वंशम बता रहे हैं क्या? डेहरी वंशम तक आती है धनबाद डेहरी इंटरसिटी, और डेहरी से बिल्कुल खाली जाती है, एक छोटा सा शहर है डेहरी वंशम अनुमंडल है, और वहाँ से वो जाती है और उसको 15 किलोमीटर आगे बढ़ाना है। देखिए ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे ये पर्चा किस लिए? ये पर्चा इसलिए क्योंकि पीयूष गोयल जब वो रेल मंत्री थे, जब का चिट्ठी है, और समझ लीजिए इस वक्त रेल मंत्री बदल चुके हैं, फिर भी इस तरह का जो इनका प्रयास था वो सफल नहीं हो पा रहा है। सफल जब होता है जन आंदोलन, कई बार सफल भी हुआ, कई बार नहीं भी हुआ। और मेरे देखिए इनके हाथों में कितनी चिट्ठी है, ये वो चिट्ठी है जो चीख चीख कर बोल रही है कि ठहराव जरूरी है या स्टॉपेज ठहराव। ये देखिए कैमरामैन से कहूंगा इनके एक बार जूम करिए, मैं मिला हूँ। देखिए राजधानी के लेके और सियालदा राजधानी, हावड़ा राजधानी, पूर्व मध्य रेल सासाराम जंक्शन पर ठहराव दिलाने के लिए मैं रेल मंत्री से 2 दफ़ा मिल चुका सोनी वैष्णव जी से, और मैं धनबाद डेहरी इंटरसिटी को सासाराम तक विस्तार देने के लिए, और मुगल थराय में जो DRM अभी आए हैं राजेश कुमार पांडे जी, उनके वजह से सासाराम जितना पहले DRM जो काम करके गया है पंकज सक्सेना, उसका सारा काम लाया हुआ पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चाहे एस्लेटर के मामला हो, चाहे लिफ्ट का मामला हो, चाहे उसका एक बारवाड़ी को बता रहे पैसेंजर के, धनबाद बारवाड़ी पैसेंजर है उसको भभुआ रोड तक देने के, सासाराम और भभुआ रोड ये दोनों कैमूर जिला रोहतास जिला एक ही सांसद हैं छेदी पासवान जी, ये उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है। हमने कहा कि एक पैसेंजर को भभुआ रोड तक विस्तार कर दिया जाए और दूसरा को सासाराम तक कर दिया जाए। हर डिवीजन में, चाहे दानापुर डिवीजन हो, धनबाद डिवीजन हो, चाहे सोनपुर हो, चाहे समस्तीपुर हो, हर डिवीजन में ट्रेन का विस्तार हो रहा है, लेकिन मुगलथराय डिवीजन में गाड़ी लेने के लिए कोई राजी अफसर नहीं हो रहा है। और जब से मुगलथराय में DRM राजेश कुमार पांडे आए हैं तब से यहाँ का जितना काम है सब पेंडिंग में डाल दिया और यहाँ का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। और ये एकदम नफुस DRM आया हुआ है, मुगलथराय DRM में सुस्त DRM थक गया है, सुस्त हो गया है, नफुस DRM एकदम आया हुआ है, जो कि इसको काम से कोई मतलब नहीं है। अपना सैलरी इसको 1.5-2 लाख रुपया मिल रहा है मुगलथराय के DRM में, कह रहा हूँ DRM सारा DRM था, कह रहा हूँ इतना ही मैं। पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय है, तो इसके लिए मैं रेलवे बोर्ड के जो CRB हैं BK सिंह, उसके लिए मैं समय मांग रहा हूँ, मैं मिलूंगा और इसको मैं ट्रांसफर करवाऊंगा, इसको हटवाऊंगा वहाँ से, क्योंकि रेल मंत्री जी का बयान है अश्वनी वैष्णव को कि जो अधिकारी काम नहीं करता है उसको BRS दिया जाए और उसको हटाया जाए। ये व्यक्ति जहाँ भी रहा वहाँ खराब प्रदर्शन किया है, इसका कोई भी रेलवे में सूची निकलवा लीजिए, ये काम अच्छा नहीं किया है, अपना टाइम पास किया, अपनी नौकरी पास किया है, बस नौकरी बिताने से मतलब है। हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सासाराम विश्व स्तरीय स्टेशन में शामिल कराना, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा हूँ और PMO में लेके वहाँ जमा करवाया हूँ कि सासाराम जैसे गया बुद्ध पर्यटल है, उस तरह सासाराम शेरशाह सूरी और पायलट बाबा धाम, वहाँ सोमनाथ गुजरात जो मंदिर है दूसरा स्थान बना, वहाँ बड़े बड़े महंत जुटे थे सासाराम में, जो पायलट बाबा मंदिर बना है 2 एकड़ में, वहाँ उसके लेकर के बहुत काफ़ी विदेशी जापान के वहाँ आते हैं पर्यटल, बहुत काफ़ी विदेशी आते हैं, और GT रोड के करीबी है और बनारस गया के रोड पे है सासाराम, इसलिए वहाँ ये कहा जा रहा है कि पर्यटन का केंद्र है, ताकि उसको कठिनाई होती है सियालदा राजधानी हावड़ा राजधानी के जल्द से जल्द ठहरा हो सासाराम में। यही मैं इसी के लिए मैं रेलवे बोर्ड में कई दफ़ा हमने पीयूष गोयल से मिला, अश्वनी वैष्णव से मिला, रेल मंत्री के जितना अफसर हैं, ट्रैफिक मेंबर है, जो कोचिंग डायरेक्टर ED कोचिंग, सबसे मैं बात कर रहा हूँ, सबकी संपर्क में हूँ। और हमारा धनबाद डेयरी इंटरसिटी के विस्तार के लिए आज कई साल से हम लोग लड़ाई इसका लड़ रहे हैं,
कि धनबाद डेयरी इंटरसिटी को 15 किलोमीटर जिला मुख्यालय से जोड़ना है, लेकिन कहीं में कहीं मुगल थ्राई डिवीजन निगेटिव रिपोर्ट बना के भेजता है कि गाड़ी न लिया जाए सासाराम में, वो डिहरी से वापस खाली जाए, रेलवे को नुकसान करना है। इसको हम लोग जैसे भी होगा एडीआरएम को हम लोग हटाएंगे, इसको देखना नहीं चाहते हैं मुगल थ्राई डिवीजन में। और जब से आया है तब से मुगल थ्राई डिवीजन का बेड़ा गर्क कर दिया है एडीआरएम। इसको ये पंडित गिरी जो कर रहा है ना, इसको पंडित गिरी से हम लोग हटाना चाहते हैं। ये शब्द मैं नहीं मानूंगा, आप एक सीधा टॉपिक से अलग हो गए। जब तक मैं सुन रहा था आप फिर टॉपिक से, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। ये जरूर अपना कुछ आप दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सोरो आना विरोध है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। जब तक ये रहेंगे डिवीजन में कोई काम नहीं होगा, हम विरोध करेंगे। हम लोग का इच्छा है, पूरा जनता की इच्छा है कि सासाराम विश्व स्तरीय बने। सासाराम से कुछ मुंबई सूरत के लिए ट्रेन खुले, आरा से हम खुलवा रहे हैं मुंबई सूरत के लिए ट्रेन, वो सासाराम होकर जाएगी। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह से मेरी बात चल रही है, और गया से धनबाद से बेंगलोर सिकंदराबाद के लिए इस लाइन में कोई ट्रेन नहीं, सब मुगल तरह जाता है ट्रेन पकड़ने। यही हम लोग का डिमांड है, और आने वाला टाइम में इच्छा हम लोग जाहिर करेंगे। चाहे किसी की भी सरकार हो, हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता के लिए आवाज़ उभर के बोलते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये जब तक नहीं होगा धनबाद डेयरी इंटरसिटी सासाराम तक विस्तार राजधानी का ठहरा, तब तक हम बोलते रहेंगे। हाँ। चैनल पर हम विरोध करते रहेंगे सब। देखिए किस तरह से ये बता रहे थे कि जो एक पैसेंजर से लेकर और पूरी राजधानी एक्सप्रेस सासाराम से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो रेलवे स्टेशन है, इस तरह के तमाम ये मुद्दे उठाए, और मेरे हाथों में ये लिस्ट देख रहे हैं, ये वही लिस्ट है, ये वही निवेदन पत्र है जो अक्सर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो है कुंडल सिंह उठाते रहते हैं, ताकि इनका जो मुद्दा है मुद्दा उठे और जनता को इसका लाभ मिले, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती है।